पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली संघ की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित अध्यापक भवन पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भक्त राज राम त्रिपाठी ने किया। बैठक में कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू करने के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार की गई तथा मांगे पूरी नहीं होने पर 21 जनवरी को धरना, 28 जनवरी को मशाल जुलूस और 6 फरवरी से 12 फरवरी तक महाहड़ताल की चेतावनी दी गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भक्त राज राम त्रिपाठी ने कहा, को उत्साहित करें, आए और अपने मांगों के प्रति निश्चित रूप से लड़ाई लड़ने, जिस भी लड़ाई को आगाज किया है वो लड़ाई कभी प्रदेश के श्री शंकर पांडे जी गोरखपुर के धरने में 21 तारीख को शिरकत करें। अगर अध्यक्ष जी 21 तारीख को शिरकत करते हैं 21 को, तो 28 को मशाल जुलूस में क्रांति कोषाध्यक्ष जी शिरकत करेंगे। आपके धरने पर समर्थन करने के लिए आ रहा है और आपको देखना भी चाहता है। साथियों, इसके लिए निश्चित रूप से आप तैयार रहे, ताला बंद कराएं, क्योंकि धरने का अर्थ धरना होता है। अगर भारी संख्या में आगाज नहीं करेंगे आप, और इनका काम होता रहेगा, सरकार का काम होता रहेगा, तो निश्चित रूप से सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देगी। कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के बैनर के नीचे 21 तारीख को होने वाले अपने पुरानी पेंशन को प्राप्त करने के लिए धरने के संबंध में, 28 को मशाल जुलूस के संबंध में और 6 फरवरी से 12 फरवरी तक महाहड़ताल के संबंध में हम अपने पुरानी पेंशन बहाली मंच के पदाधिकारियों की बैठक कर रहे हैं। तैयारी बैठक हमारी है और इस बैठक के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से इस शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे साथियों को, हमारे शिक्षक अधिकारी कर्मचारियों को उद्वेलित न करें। हमको जैसे अपने पुरानी पेंशन ले रहे हैं वैसे हमें पुरानी पेंशन दे, और हमारा प्रांतीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा 12 तारीख को अंतिम निर्णय, उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। उसी की तैयारी बैठक आज अध्यापक भवन के सभागार में हम कर रहे हैं।